हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में ऐसे प्लांट में इस वीडियो में शो करने वाला हूँ जो कम केयर करने वाले और हमेशा चलने वाले और हार्डी प्लांट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, आपको कम केयर वाले प्लांट आप ढूंढ रहे हों तो इन प्लांटों को आप लगा सकते हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है एरेलिया। यह प्लांट हमेशा एवरग्रीन प्लांट रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है और हमेशा चलता रहता है। इस प्लांट में कोई रोग भी नहीं लगता है और ये हमेशा हरा भरा ग्रीन बना रहता है। अगर इसमें पानी भी आप डालना भूल गए दो दिन तो भी ये प्लांट चलता रहेगा। अगर इसमें वॉटरिंग करते हैं तो भी ये प्लांट वैसा ही का वैसा हरा भरा ग्रीन प्लांट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, ये एक एरेलिया की वेराइटी है। इस प्लांट में आप अगर खातर भी नहीं डालते हैं तो भी ये प्लांट आपका बना ही रहेगा, मरेगा नहीं, ये ऐसा प्लांट है। इसलिए फ्रेंड, आप इस प्लांट को अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड, ये है अगला नंबर, आप देख सकते हैं इस प्लांट का भी नाम एरेलिया है, ये भी एक एरेलिया की फैमिली से। इसकी आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, थोड़ा गोल्डन कलर में, ये भी गोल्डन और ग्रीन कलर में रहता है। इसको आप अगर सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं थोड़ी गोल्डन गोल्डन कलर में आपको हो जाएंगे, वरना ये प्लांट ग्रीन ग्रीन सा रहता है। ये दोनों जगह ये प्लांट चल जाता है, इसलिए फ्रेंड इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी है, ये भी प्लांट नहीं मरता है, चलता रहता है। जैसे आपका ज़्यादा प्लांट ये बड़ा हो गया तो इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं और काफ़ी ये प्लांट खूबसूरत आपको बूसी प्लांट हो जाता है। इन प्लांटों को आप डेकोरेशन के माध्यम से या सजावट के माध्यम से इन प्लांटों को आप किसी भी कोने में इन प्लांटों को लगा सकते हैं। यह प्लांट सनलाइट और शेडी एरिया में दोनों जगह यह प्लांट चलता है, खाली इनको ब्राइट लाइट मिलती रहती है तो भी चलते हैं। ये मेरा अगला नंबर है, आप देख सकते हैं, ये भी एरेलिया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, ये देख सकते हैं। ये प्लांट भी सनलाइट और शेडी एरिया में दोनों जगह चलता है, आप इसको देख रहे हैं, जो ऊपर आपको येलो येलो थोड़ा दिखाई दे रहा है ये ओनली सनलाइट में थोड़ा गोल्डन कलर में हो जाता है। और आप इसको नीचे देखेंगे, इसकी जो पत्तियां हैं वैसे तो एवरग्रीन पत्तियां रहती हैं इसकी, देख सकते हैं वाइट और हल्की हल्की साइड में, और ग्रीन इसकी लीव्स रहती हैं। सनलाइट में रखते हैं तो इनके कलर चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको सनलाइट में या शेड एरिया में दोनों जगह प्लांट चलता रहता है। आपका ये प्लांट अगर सनलाइट में तो भी ये प्लांट आपका जलेगा नहीं, खाली लीव्स का कलर ओनली चेंज हो जाएगा, ग्रीन का थोड़ा गोल्डन कलर जैसा येलो जैसा हो जाएगा, प्लांट का कुछ भी नहीं खराब होगा। पिछली दो एरेलिया प्लांटों से ये प्लांट काफ़ी बेहतर दिखता है दिखने में, ये देख सकते हैं। इन प्लांटों को आप अगर बड़े बड़े पॉटों में डालते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, और इनको आप प्रूनिंग कर सकते हैं तो आपके प्लांट और भी खूबसूरत दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड, इस प्लांट को भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। इसमें भी, इस प्लांट में भी दो तीन वैरायटी भी आती हैं एरेलिया में, इसमें भी आपको दो टाइप के दिख जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते और छोटे छोटे पत्तों में दो टाइप में इसमें एरेलिया आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, आप अगला नंबर देख लेते हैं, ये भी फ्रेंड्स एरेलिया है, ये सबसे बेटर प्लांट लगता है, आप देखेंगे तो काफ़ी इसका लुक भी अच्छा होता है। ये वाला प्लांट नर्सरी पे बहुत कम मिलता है, मिल भी जाता है और तो और बहुत कम भी मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये भी प्लांट आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड आप ये प्लांट एरेलिया के बाय करना चाहते हैं तो मैं इस नर्सरी का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप अगर अहमदाबाद में रहते हैं तो फ्रेंड इस नर्सरी से इन प्लांटों को बाय कर सकते हैं। और ये प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही कम केयर वाले प्लांट हैं और ये प्लांट बहुत ही स्लो बढ़ने वाला प्लांट है।